जय श्री श्याम बच्चों, आज मैं क्लास 10th आर एस अग्रवाल क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 3E का डिस्कस कर रहा हूँ। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 5 चेयर्स एंड 4 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 5600 वाइल 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स टुगेदर कॉस्ट 4340 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड दैट ऑफ अ टेबल, ये बताना है। तो आप एक काम करना, यहाँ पर लेट कर लो। किस चीज़ को लेट कर लोगे? जो तुमको नंबर बोल रहे हैं ना, जैसे 5 चेयर्स हैं तो वो चेयर और टेबल, तो एक काम करना, तुम ऐसे बनाना लेट। मतलब मैं थोड़ा सा और डार्क कर लेता हूँ पेन को। लेट बी दी कॉस्ट ऑफ चेयर, लेट बी दी कॉस्ट ऑफ ए चेयर इज इक्वल टू एक्स रुपये एंड कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज इक्वल टू वाई रुपीज। मान लोगे तो पहले क्वेश्चन से जब तुम चलोगे, पहले क्वेश्चन से यदि तुम चलोगे, तुम्हें 5 चेयर्स हैं तो 5 इंटू एक्स कर लोगे, और प्लस 4 टेबल है तो 4 इंटू वाई करोगे, तो ये तुम्हें मिलेंगे 5600। ओके, ये बन गया इक्वेशन नंबर 1। अगेन तुम सेकेंड इक्वेशन के लिए कर चलोगे, अगेन लिखोगे यहाँ पे, अगेन सेकेंड इक्वेशन के लिए वाइल 4 चेयर्स एंड 3 टेबल्स, तो 4 चेयर्स 4 इंटू एक्स और प्लस 3 टेबल मीन्स 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 4340। अब इस क्वेश्चन को तुम जिस मेथड से मन करे उस मेथड से बना लो, एलिमिनेशन लगा लो, सब्सटीट्यूशन लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो, जैसी तुम्हारी मर्जी, ठीक है। अगर तुम एलिमिनेशन लगाओगे तो किसी एक को एलिमिनेट करना पड़ेगा, या तो तुम एक्स को एलिमिनेट करो या तो फिर वाई को एलिमिनेट करो, या तुम पढ़े हुए हो या तो वाई को एलिमिनेट कर लो, या तो y को एलिमिनेट कर लो या फिर x को एलिमिनेट कर लो, जिसको मन करे उसको एलिमिनेट कर लो। मुझे y को एलिमिनेट करना बहुत अच्छा लगता है, तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 में मैं 3 से मल्टीप्लाई कराऊँगा और इक्वेशन नंबर 2 को मैं 4 से मल्टीप्लाई कराऊँगा, क्योंकि इक्वेशन नंबर 4 में y का कांस्टेंट आपको 4 है और इक्वेशन नंबर 2 में y का कांस्टेंट 3 है, इसलिए मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दूँगा 3 से। तो ये आपको हो जाएगा 15x। ओके, और ये हो जाएगा आपका 4 3 12y, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 00 यहाँ हो जाएगा, 6 3 18 और 5 3 15 और 1 16 मीन्स 16800, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका आ गया। अब चलिए आगे इसको मल्टीप्लाई करिए, 16x प्लस 4 3 12y, और ये इसको मल्टीप्लाई कराइए 4 से तो 0, 4 4 16, 4 12 और 1 13, तो 3 1 कैरी, और 4 4 16 और 1 17। अब आ गया इक्वेशन नंबर 4, और इस इक्वेशन को आप क्या कीजिए, इस इक्वेशन को आप एलिमिनेट कर दीजिए, मीन्स क्या, साइन चेंज कर दीजिए, यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, इस प्रकार सी वाला पोर्शन कैंसिल हो गया। अब आपका 15x माइनस 16x, इसको सॉल्व कीजिएगा तो माइनस एक्स मिलेगा, और फिर आप 16800 में से 17760 माइनस कर लीजिए, तो 0 6, 13 में से 8 गया 5, तो 560 आ गया माइनस में, ये आपको एक्स का वैल्यू आ गया। और एक्स आप क्या एलिमिनेट, एक्स आप क्या माने थे, हैं ये माइनस माइनस कट जाएगा ना बाबू, दोनों तरफ से कट गया। एक्स इसको माने हैं आप, एक्स माने हैं आप चेयर के कॉस्ट को, ठीक है। देयरफॉर आपका चेयर का कॉस्ट आ गया 560 रुपीज़। अब आप क्या कीजिए, इस एक्स का वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, 1 में मन करे 1 में कीजिए, 2 में मन करे 2 में कीजिए, इस प्रकार से आपका वाई आ जाएगा, और वाई आई थिंक आपका 700 आएगा, और जो वाई आएगा वो हो जाएगा टेबल का कॉस्ट। तो देयरफॉर अगर आप आगे बढ़िएगा तो आप इसको लिख सकते हैं, देयरफॉर दी कॉस्ट ऑफ अ चेयर इज इक्वल टू एक्स रुपीज इज इक्वल टू 560 रुपीज़, और जब आप सॉल्व कीजिएगा तो वाई भी आपका आएगा 700। देयरफॉर द कॉस्ट ऑफ अ टेबल इज इक्वल टू क्या, वाई रुपीज, मतलब 700। इस प्रकार से आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया। आपको ऐसे ही वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।